हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एजु फॉर टेक। और जैसा आपको पता है कि एसएससी ने एक नोटिस निकाला था, ठीक है, कल का ही नोटिस है। यहाँ पे एग्जामिनेशन सेंटर को चेंज करने की बात है। तो जैसा आपको पता है भी एसएससी जेई के बारे में बात करूँ तो एसएससी जेई की आपको पता है कि एसएससी ने डेट रिलीज कर दी है। तो उसी के रिगार्डिंग क्या है, कोरोना की वजह से यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि आप सेंटर अपना चेंज कर सकते हैं। तो सेंटर चेंज करने का एक सिंपल स्टेप बाय स्टेप आपको प्रोसेस बता देता हूँ, जिसको प्रॉब्लम है तो वो उसको देख सकते हैं। सबसे पहले आपने क्या करना है, ये वेबसाइट यहाँ पे ssc.nic.in पर जाना है। यहाँ पे आपका जो भी यूजर नेम या रजिस्ट्रेशन नंबर और यहाँ पे आप पासवर्ड डालोगे, उसके बाद आप लॉगिन करते हो। तो जैसे ही आप लॉगिन करते हो तो आप यहाँ पर पहुंच जाते हो, ठीक है। अब यहाँ पे आपने देखना है कि ये लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, एप्लीकेशन मॉडिफाई रजिस्ट्रेशन रिजल्ट मार्क्स और ये मॉडिफाई एग्जामिनेशन सेंटर आपको दिखाई दे रहा होगा इस डैशबोर्ड पे। आपने क्या करना है, इस मॉडिफाई है ना, इस पे आपने क्या करना है, क्लिक करना है मॉडिफाई एग्जामिनेशन सेंटर पे। जैसे ही आप क्लिक करोगे तो इस तरीके से आपके पास ये विंडो खुल के आ जाएगी। अब आपने क्या करना है, उसके बाद इस सिलेक्ट एग्जामिनेशन पर जाना है। और जैसे ही आप सिलेक्ट एग्जामिनेशन पर जाओगे तो आप देख सकते हो कि सीजीएल हो गया, स्टेनो हो गया, आपका फेज 8 हो गया और एसएससी जेई मतलब जूनियर इंजीनियर का हो गया। तो जेई की मैं बात करता हूँ तो जेई पे आप क्या करोगे, यहाँ पे सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे क्या करना है, आपने सबमिट करना है। जैसे ही आप सबमिट करोगे तो यहाँ पे आपको ओल्ड प्रीफरेंस यहाँ पे शो हो जाएंगे, ठीक है, ओल्ड प्रीफरेंस शो हो जाएंगी। और आपने क्या करना है, एनी प्रीफरेंस को अगर आप चेंज करना नहीं चाहते हो तो इसको यहाँ पे आपको एक बार फिल करके इसको कंफर्म करना पड़ेगा। जैसे आप यहाँ पे सेंटर 1, सेंटर 2 और सेंटर 3 यहाँ पे सिलेक्ट करते हो, आपने क्या करना है, यहाँ पे अपडेट पे क्लिक कर देना है। और जब आप अपडेट पे क्लिक कर दोगे तो आपका क्या हो जाएगा, ये आपका इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। तो आई होप आपको ये किस तरीके से अपना ये जो एग्जामिनेशन सेंटर है उसको मॉडिफाई करना है आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है। सो ये मैंने आपको समझा दिया है, आप इसको शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स से जरूर बताएं जिनका भी एग्जाम है और मॉडिफाई करें, ठीक है। सो थैंक यू।